हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चावल की खीर बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस डिजर्ट है और सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंपल और आसान इसकी रेसिपी है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आता है वो आउटस्टैंडिंग आता है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आइए देख लेते हैं मज़ेदार से डिजर्ट को हम किस तरह से तैयार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वन टाइम सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। एक हैवी बॉटम पतीला ले लेंगे और उसमें मैंने 5 किलो दूध डाल दिया है और बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध हम कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा या पका हुआ। मैंने यहाँ पे कच्चा दूध फुल क्रीम का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमें दूध को हाई फ्लेम में उबाल आने देना है। जैसे इसमें उबाल आ गया है, मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब हमें लो फ्लेम पे ही दूध को अच्छा पकाना है, गाढ़ा करना है। तो बीच बीच में हमें इसको स्टर करते रहना है और ध्यान रखना है कि बॉटम से जो दूध है वो चिपके ना, और जो ऊपर मलाई जमती है और पतीले के साइडों में जो मलाई जमती है उसको खुरच खुरच के हमें दूध में मिक्स करते रहना है। इस तरह से दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और साथ में ही हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जो कि मैंने भिगा दिया था थोड़ी देर पहले। 50 ग्राम चिरौंजी है और 200 ग्राम बादाम है, जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, और इसमें से आधे बादाम का मैं पेस्ट तैयार कर लूंगी। और साथ में ही 50 ग्राम पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे हम। मेरे पास पिस्ते की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, तो इसको भी मैंने भिगा दिया था और सारे छिलके उतार दिए हैं। चावल की खीर तैयार करने के लिए हमें पहले से कुछ तैयारी करके रख लेनी होती है। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम कच्चा चावल लिया, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया और 1 से 1.5 घंटे पहले मैंने इसे भिगा दिया था। उसके बाद ये चावल सॉफ्ट हो गए, तो उसका सारा पानी है मैंने वो स्ट्रेन कर दिया है। खीर बनाने के लिए हम कोई भी कच्चा और टूटा हुआ चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो हम खिचड़ी में चावल डालते हैं वो भी हम खीर में डाल सकते हैं। दूध को बॉयल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में। अब मैं इसमें बादाम का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तो मैंने जो आपको क्वांटिटी दिखाई थी बादाम की, उसमें से आधे बादाम लेकर मैंने मिक्सी में बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, थोड़ा सा दूध डालकर। आप पानी डाल के भी इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो जो दूध बादाम के साथ पकेगा तो उसका बहुत ही जबरदस्त सा खीर में टेस्ट आएगा। दूध को बॉयल होते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। अपनी क्वांटिटी का 1/3 रह गया है। अच्छा कलर आ गया है इसमें, पिंक कलर आ चुका है, गाढ़ा हो चुका है। इस टाइम परफेक्ट है खीर बनाने के लिए। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। पाउडर नहीं है तो आप छोटी इलायची को क्रश करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चावलों को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, सूखा पीसा था, और बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया है ताकि ये पतला हो जाए और जब हम पतीले में डालें तो इसमें लम्स ना पड़े। दूध को हमें अब कंटिन्यू चलाना है जब तक कि एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए, और साथ में ही हमें ध्यान रखना है कि बॉटम से चिपके ना, क्योंकि जब हम इसमें चावल डाल देते हैं तो बॉटम से चिपकने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और साथ में ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर देते हैं। चिरौंजी है जो मैंने भिगा के रखी थी पहले से ही, सॉफ्ट है ये भी, आसानी से पक जाएगा। और साथ में ही ये बादाम और पिस्ता है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब हमें खीर को जब तक पकाना है जब तक कि चावल सॉफ्ट ना हो जाए और दूध के साथ वेल कम्बाइंड ना हो जाए। खीर को तैयार करना बहुत ही आसान होता है, बस इसमें थोड़े से अटेंशन की जरूरत होती है। खासकर चावल डालने के बाद ये बहुत ज्यादा बॉटम से चिपकता है, तो इसे थोड़ी थोड़ी देर पे हमें स्टर करते रहना है और ध्यान रखना है कि तले से चिपके ना। अगर जरा भी चिपक जाती है तो इसमें एक जलने की महक आ जाती है, जिससे हमारी खीर है वो खराब हो सकती है। और 10 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि जो चावल हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और जो खीर है उसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। बस इसी पॉइंट पे हम इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। मैं इसमें 500 ग्राम चीनी डाल रही हूँ, जो कि एक परफेक्ट मीठा होगा, खुलता हुआ मीठा होगा। लेकिन अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी कम डालें, क्योंकि आप चीनी को आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद हमें कंटिन्यू इसको स्टर करना है जब तक कि चीनी अच्छी तरह से इसमें डिजॉल्व ना हो जाए, खीर के साथ मिक्स ना हो जाए। चीनी डालने के बाद मैंने इसे 15 मिनट और पकाया है ताकि जो चीनी का कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और इसमें एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए। इस पॉइंट पे आप चीनी को टेस्ट कर लें, कम लगती है तो इसमें आप चीनी शामिल कर लें और इसको थोड़ी देर के लिए पका लें। और अगर आपको खीर थोड़ी गाढ़ी लगती है तो आप पका हुआ दूध डाल के इसको अपने मनपसंद की कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। यहाँ पे जो खीर है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही मजेदार आया है। लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल देते हैं। अगर आपके पास एसेंस है तो 5 से 7 ड्रॉप ही इसमें शामिल करें। इसको ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट बाद इसको सर्व कर लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे खीर को सर्व कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही औसम आया है। बहुत ही टेस्टी और मजेदार हमारी जो खीर है वो बनके बिल्कुल तैयार है।
या फिर आप खीर को ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। खीर में चावल और चीनी का जो परफेक्ट मेजरमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से हमारी खीर टेस्टी और क्रीमी बनती है। और इसको गार्निश कर देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। खीर का मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ जो कि ठंडा करने के बाद इसका आया है। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी क्रीमी हमारी जो खीर है वो तैयार हुई है एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो इसी तरह से आप भी अपने घर में बेहद आसान तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खीर को तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको खीर की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आप सांझा दस्तखान पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाजिर होंगी इसी तरह की मजेदार सी रेसिपीज लेके। तब तक के लिए टेक केयर।